जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम अपने इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड का क्लास 10th है, काव्य खंड है पार्ट 2, प्रेम अयनी श्री राधिका। हिंदी में आज इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं टोटल, ठीक है। जो प्रेम अयनी श्री राधिका चैप्टर का नाम है ना, इसके अगर कवि की बात करें तो इसके कवि हैं रस खान। तो चलिए अब शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए आ गया है, बोल रहा है प्रेम अयनी श्री राधिका के कवि कौन है। तो इसके कवि कौन है? रस खान है, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, सही जवाब। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, बोल रहा है रस खान ने किसे प्रेम वरन कहा है। तो रस खान ने किसे प्रेम वरन कहा है? राधा कृष्ण को, यशोदा को, है ना, नंद नंदन को, दूसरा में है नंद को। तो किसको बोले हैं प्रेम वरन? तो प्रेम वरन बोले हैं नंद नंदन को, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, तो बोल रहा है प्रेम वाटिका किसकी रचना है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? भारतेंदु की, रस खान की, घनानंद की, प्रेम घन की। तो किसकी रचना है? रस खान की है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न बोल रहा है करील के कुंजन ऊपर वारों के कवि, ठीक है, ये कौन है? रस खान है, भारतेंदु है, घनानंद है, या गुरु नानक है, ठीक है। तो यह भी कौन हो जाएंगे? रस खान, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा इसका, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, बोल रहा है रस खान ने प्रेम अयनी किसे कहा, ठीक है। तो प्रेम अयनी किसे कहें? कृष्ण को, सरस्वती को, राधा को, यशोदा को। तो किसे कहें? राधा को बोले, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या है, बोल रहा है रस खान के नजरों में चित चोर कौन है। चित चोर किसे कहें? रस खान, इंद्र को, श्री कृष्ण को, कामदेव को, कंचन को। तो किसको बोले हैं? श्री कृष्ण को, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर, बोल रहा है रस खान किस मुगल शासक के समकालीन थे। तो रस खान किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये थे जहांगीर के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बोल रहा है कि शिव पार्वती, सॉरी, यानी क्वेश्चन है रस खान ने किन्हें प्रेम रूपी वाटिका का माली मालिन बताया है। तो प्रेम रूपी वाटिका का माली और मालिन कौन है? शिव पार्वती, पृथ्वीराज संयोगिता, राधा कृष्ण, राम सीता। तो कौन है? राधा और कृष्ण है, तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बोला रस खान किनके भक्त थे? कृष्ण के, राम के, विष्णु के, शिव के। तो किनके भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, वो सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि निम्न में से कौन थे? तो सवैया एवं छंद के जो सिद्ध कवि थे वो कौन थे? प्रेम घन, निराला, रस खान, या सुमित्रा नंदन पंत। तो कौन थे? रस खान थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वो रस खान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? गुलाम वंश में, मुगल वंश में, लोधी वंश में, या पठान वंश में। किसमें हुए थे उत्पन्न? पठान वंश। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 क्या है, बोल रहा है सुजान रस खान किनकी रचना है? गुरु नानक, घनानंद, रस खान, प्रेम खान। तो किनकी रचना है? तो ये रचना है रस खान की, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, रस खान के सेवैये कैसे हैं? सरस हैं, सहज हैं, है ना, प्रवाहम्य हैं, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी हैं इनके सेवैया, ठीक है। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं क्या है, बोल रहा है कि किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमानों पे कोटिन हिंदू वारिये। किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर बोले थे? गुरु नानक के, घनानंद के, रस खान के, प्रेम घन के। तो किसके होंगे? रस खान के, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न क्या है, रस खान को दीक्षा किसने दी? तो रस खान को दीक्षा किसने दिए थे? सूरदास ने, कृष्णदास ने, रामानंद ने, या गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। तो किसने दिए थे? गोस्वामी विट्ठलनाथ, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है 16 नंबर, बोल रहे हैं कि रस खान ब्रज के वन बागों पर क्या न्यौछावर करने को तैयार है ना। तो क्या स्वर्ण महल, तीनों लोक, स्वर्ग लोक, ठीक है, या सैकड़ों इंद्रलोक। तो क्या न्यौछावर करने को तैयार है? सैकड़ों इंद्रलोक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? रस खान दिल्ली के बाद कहाँ गए थे? पटना गए थे, ब्रजभूमि, महरौली, हस्तिनापुर। तो कहाँ गए थे? ब्रजभूमि गए थे, ऑप्शन नंबर बी होगा। 18 नंबर प्रश्न है,
रस खान कैसे कवि थे? हिंदी पदों के, सूफी कवि, उर्दू कवि, इनमें से कोई नहीं। तो कैसे कवि थे? हिंदी पदों के कवि थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न क्या है, बोरा इनमें कौन सी पुस्तक रस खान द्वारा रचित है? प्रेम वाटिका, सुरसागर, कवितावली, सतसई। ठीक है, तो कौन सा पुस्तक रचित है ना रस खान द्वारा? तो प्रेम वाटिका, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला बोल रहा है, रस खान ने प्रेम वाटिका की रचना कब किए थे? है ना, तो 1605 ईस्वी, या 1610, 1615 ईस्वी, 1620 ईस्वी। तो कब किए थे? 1610 ईस्वी। ठीक है।